अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असनैन मलिक है। मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। इससे कबल मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ताजर दोस्त स्कीम की बाबत एक वीडियो बनाई हुई है। इसी स्कीम के तहत FBR ने कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से एक लास्ट क्वेश्चन था कि बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है एडवांस इनकम टैक्स की, तो ताजर दोस्त स्कीम के तहत हमने जो एडवांस इनकम टैक्स माना बेसिस पे अदा करना है, तो क्या वो बिजली के बिलों पर जो टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है उस टैक्स को हम एडजस्ट करवा सकते हैं? जिसका आंसर ये था कि हाँ, उसको भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मेरे माइंड में एक बात आई जो कि मैंने अपनी बार यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ डिस्कस की। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी दुकानदार है, रिटेलर है, किसी भी किस्म का कारोबार कर रहा है, अगर इसने अपनी दुकान या ऑफिस वगैरह रेंट पे ले रखा है, तो बिजली का मीटर तो ओनर के नाम पर होता है। इस वजह से तमाम एडवांस इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग बिल्स के ऊपर ओनर के नाम से हो रही होती हैं, और ओनर की तमाम टैक्स की मालूमात IRS पोर्टल में मौजूद होती हैं। लिहाजा जब वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने लगता है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो इन्हीं बिल्स के एडवांस इनकम टैक्स को एडजस्ट करवा लेता है, जबकि इन तमाम बिल्स की अदायगी तो किराएदार कर रहा होता है। इसके बाद इसी मौजू पर एक लंबी बहस हुई, जिसके बाद 1992 का एक इनकम टैक्स सर्कुलर सामने आया, जिसमें इसी मसले के ऊपर बात हुई और कहा गया कि किराएदार के नाम मीटर ना है और वो बिल्स की अदायगी कर रहा है, तो उससे क्या करना है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर इस टैक्स को एडजस्ट करवा सके। इस सर्कुलर में बताया गया कि कई कारोबार ऐसे हैं जिनके बिजली के मीटर ओनर्स के नाम पे हैं, लिहाजा यही वजह होती है कि टैक्स की कलेक्शन ओनर के नाम पर हो रही होती है। इस तमाम मसले को बोर्ड ने डिस्कस किया और फिर डिसीजन दिया कि किराएदार ने अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान तमाम ओरिजिनल बिल्स की पेमेंट खुद की है, तो उसकी एविडेंस उसने अपने पास रखनी है। इसके अलावा उसके पास इसी फाइनेंशियल ईयर का रेंटल एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा उसे अपने ओनर से एक सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, जिसमें ओनर अंडरटेकिंग देगा कि बिजली का मीटर उसके नाम है, लेकिन दुकान या ऑफिस इसने आपको दे रखा है और इस पर आप अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, इसके तमाम यूटिलिटी बिल्स आप खुद अदा कर रहे हैं, जिसमें एडवांस इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स शामिल है, लिहाजा ओनर कहेगा कि ये तमाम टैक्स मेरे किराएदार अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं, जिस पर मुझे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना है और ना ही कल को मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम करूंगा। लिहाजा ओनर की तरफ से ये सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग तैयार करवा कर इसके दस्तखत और थंब इम्प्रेशन करवा लेने हैं। अब यहाँ आपको बताता चलूं कि बाज औकात आपका जिसके साथ रेंटल एग्रीमेंट होता है, मालिक वही होता है, लेकिन बिजली का मीटर पुराने ओनर के नाम पर होता है, तो ऐसी सूरत में अगर हो सके तो दोनों से अंडरटेकिंग ले लें, जिसमें प्रीवियस ओनर ये बताएगा कि बिजली का मीटर तो मेरे नाम पर ही है, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने न्यू ओनर को सेल कर दी थी। बिजली का मीटर मेरे नाम होने की वजह से किराएदार बिजली का बिल अदा कर रहा है और इसमें एडवांस इनकम टैक्स की अदायगियां भी कर रहा है, लिहाजा अगर किराएदार अपने कारोबार की बाबत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वो इस तमाम एडवांस इनकम टैक्स को एडजस्ट करवा सकता है, जो कि बिजली के बिलों पर मेरे नाम से विदहोल्डिंग हुई हुई हैं। अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में बिजली के बिलों के टैक्स को एडजस्ट करवाता है, उस पर मुझे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना होगा और ना ही मैं आने वाले वक्त में इसको क्लेम करूंगा। अब इस अंडरटेकिंग के साथ आपने असल मालिक से भी इसी तरह का सर्टिफिकेट लेना है, जिसमें वो बताएगा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, जबकि बिजली का मीटर प्रीवियस ओनर के नाम है, क्योंकि मेरा किराएदार इस पर अपना कारोबार जारी रखे हुए है और बिजली के बिलों की तमाम अदायगियां भी किराएदार ही कर रहा है,
लिहाजा वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बिजली का एडवांस इनकम टैक्स एडजस्ट करवा सकता है। लिहाजा आज की वीडियो बनाने का मकसद ऐसे कारोबारी लोगों को इस बात से आगाह करना था कि आप अपने बिजली के बिलों या दीगर यूटिलिटी बिल्स को जिनके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन ओनर्स के नाम से हो रही होती है, उनको किस तरह से अपने रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए रेंटल एग्रीमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए, पेड बिल्स की एविडेंस आपके पास होनी चाहिए, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ओनर की तरफ से लेना है। आपको इस बाबत FBR का 1992 का सर्कुलर नंबर 26 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सर्कुलर के बाद ताहाल इस बाबत दीगर कोई SRO सर्कुलर या नोटिफिकेशन ना आया है। इसके अलावा डिडक्शंस की बाबत जनरल प्रिंसिपल है कि अगर आपको कारोबारी आमदन हो रही है और आप इस कारोबारी आमदन के यूटिलिटी बिल्स या एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं तो तमाम किस्म के एडवांस टैक्सों की डिडक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की डिवीजन 2 की क्लास 20 आपको अलाउ करती है कि आप ये तमाम डिडक्शंस जो हैं इनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स का हिसाब बना सकते हैं। लिहाजा ये साबित हुआ कि कारोबारी मद में अदा किए गए तमाम यूटिलिटी बिल्स पर एडवांस टैक्स को आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की भी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद इंफॉर्मेटिव इनकम टैक्स से मुतल्लिक वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03425087036 पर वॉइस मैसेज या टाइप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। बाद में आपकी क्यूरी या क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। शुक्रिया।